What's up everyone, welcome back to the channel. Balance sheet और P&L का आपने format तो बनाना सीख लिया. अब हम ultimately analysis of financial statements के अंदर चलते हैं कि ये जो financial statements हैं, balance sheet हो गया, statement of P&L हो गया, इनको analyze करना सीखो कि क्यों ये दो साल के figures दिए हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने वाली होती हैं. तो उसके लिए हमें बनाई जाती है या हम लोग को सिखाया जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, रेशियोज, यही सब हम फर्दर सीखने वाले हैं. तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को और देखते हैं कैसे ये हेल्प करता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझते हैं. लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगर टूल्स देखूं, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लोगों ने सीख लिया बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट, तो उनको एनालाइज करने के लिए क्या क्या टूल्स दिए गए हैं. हमारे पास सबसे पहले होते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, फिर ट्रेंड एनालिसिस, रेशियोज, फंड फ्लो, ब्रेक इवन, और एक रह गया हमारे पास कैश फ्लो. एक कौन सा होता है हमारे पास? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. अब आपको क्लास 12th में मेनली कौन कौन से पढ़ने हैं? आपको मेनली पढ़ने हैं कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. ट्रेंड एनालिसिस का भी एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे. फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सिमिलर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूंगा. और ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है जहां पे टोटल कॉस्ट टोटल सेल के बराबर होता है. तो ये भी आपके क्लास 12th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. मेन जो आपको पढ़ना है, हम जो पढ़ने वाले हैं, वो है कैश फ्लो, रेशियोज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. आज की क्लास में हम लोग मेजर डिस्कशन रखने वाले हैं अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या है. देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बेसिकली एक वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको फिगर्स को कंपेयर करने में हेल्प करेंगे. लाइक सपोज मैं ये बोलता हूं कि मेरी जो सेल्स हैं वो है, चार कॉलम्स बनाता हूं, ए बी सी और डी. मेरी जो सेल है वो पिछले साल थी 8 लाख. पिछले साल कितनी थी? 8 लाख. और इस साल मेरी सेल हो गई है बेसिकली 16 लाख. पिछले साल कितनी थी ये ले रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर, ये ले रहा हूं मैं करंट ईयर. तो पिछले साल मेरी सेल थी 8 लाख, इस साल मेरी सेल है 16 लाख. तो क्या मैं इसमें चेंज बता सकता हूं, दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? यस डेफिनेटली. 8 और 16 को कंपेयर करूं तो मेरा 8 लाख रुपीज का एक पॉजिटिव फिगर आ रहा है कि 8 लाख रुपए मैं एडिशनल जनरेट कर पा रहा हूं. अब मेरी सेल अगर 8 से 16 हो गई तो कितने से बढ़ी? 8 से बढ़ी. इसको मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट चेंज. इसको क्या बोलता हूं? एब्सोल्यूट चेंज. अब अकाउंटिंग में यह कहा जाता है कि सिर्फ न्यूमेरिक्स ही नहीं, परसेंटेज में भी बता दो और बढ़िया समझ में आएगा. तो हम इसकी परसेंटेज भी निकाल देते हैं. परसेंटेज कैसे निकलेगी? देखो जितना बढ़ा ना, 8 लाख से बढ़ा, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, 8 लाख इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 100%. मैं बोलूंगा मेरी सेल 100% से बढ़ी है. इसको बोलता हूं परसेंटेज चेंज. इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज चेंज. तो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में मेनली ये चार चीजें पता होनी चाहिए. सबसे एक और एग्जांपल ले लो, चलो कुछ एक्सपेंसेस का एग्जांपल ले लेते हैं. ये लो, ये मेरे एक्सपेंसेस हो गए. लेट सपोज आप पिछले साल मेरे एक्सपेंसेस थे 20,000 और इस साल मेरे एक्सपेंसेस हैं 30,000. प्रीवियस ईयर 20, करंट ईयर 30, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं. तो मेरे एक्सपेंसेस कितने से बढ़े? क्या मेरा एब्सोल्यूट चेंज है? तो बी माइनस ए कर दूं. सी को फॉर्मूला वाइज कैसे लिख सकता हूं? बी माइनस ए. 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10,000 रुपीज. मेरे एक्सपेंसेस 10,000 से बढ़े. परसेंटेज में देखना है तो 10/20 × 100, 10,000/20,000 × 100. तो यहां से देखो आप, ये 00 से 00 खत्म, ये 00 से 00 खत्म, 50. यहां चेंज कितना आ जाएगा? 50% का, कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो 50% बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. तो यही बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं.
कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हमें हेल्प करते हैं हमारी फिगर्स को कंपेयर करने में कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इस ईयर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का क्या फॉर्मेट है, हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, द फॉर्मेट फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। क्या क्या हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो ये काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसके अंदर ऐसे जो आपको प्रॉब्लम आने नहीं वाली। क्या करना है आप लोगों को, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके का ये फॉर्मेट है। हमारे पास पर्टिकुलर्स आ गया, फिर नोट नंबर, फिर आपको चार कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले क्या लोगे, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लोगे, नोट नंबर, फिर बनाना कॉलम ए बी सी और डी। ए क्या होता है, ए होता है प्रीवियस ईयर, बी होता है करंट ईयर, सी को बोलता हूं एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, और निकलता कैसे है ये बी माइनस ए, ये भी अमाउंट में होता है, ये भी अमाउंट में होता है, ये भी अमाउंट में होता है। सी कैसे निकलता है, बी माइनस ए, और फिर डी, डी होता है परसेंटेज चेंज, डी क्या होता है परसेंटेज चेंज, दैट इज सी अपॉन ए इंटू हंड्रेड, ये परसेंट में होगा, सी अपॉन ए इंटू हंड्रेड। तो जो भी डेटा पिछले साल का है वो ए में लिखना, इस साल वाला बी में लिखना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, फिर सी और डी आपको खुद कैलकुलेट करना होता है। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से मेरे साथ साथ, फिगर्स लिख लो। सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारे पास आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बाद हमारे पास क्या क्या आ जाता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम कर पाए फटाफट। शेयर होल्डर्स फंड्स के बाद हमारे पास आता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज ले लो, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें हम लोग ले लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर करंट लाइबिलिटीज ले लो, करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर आप लोग ले लो शॉर्ट टर्म बोरिंग और ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ट्रेड पेबल्स। फिर यहाँ पे बस टोटल आ जाएगा, इसकी फिगर्स हम अभी लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसका टोटल, और टोटल के बाद हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं, टोटल के बाद हमारे पास शुरू होंगे एसेट्स। अब क्या शुरू होंगे, एसेट्स, एसेट्स में क्या क्या आता है हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। सबसे पहले मैं लिखता हूं नॉन करंट एसेट्स, फिर दो नंबर पे क्या लिख देता हूं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लेना है, ये है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के हम पार्ट्स बना लेते हैं ए बी बेसिकली सी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर हम टोटल कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे आपको टोटल ले लेना है। फिगर्स भर लें जल्दी से, जल्दी जल्दी से फिगर्स भरते हैं हम लोग, बुक की हेल्प ले लेते हैं। हमारे पास जो फिगर्स हैं वो हैं यहाँ पे 2800, फिर 1000 रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं हमारे पास 600, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 600, और ये 250। तो ये हमारे पास फिगर्स हैं, टोटल आ रहा है 5250। नॉन करंट एसेट्स में आ गए 2130, नॉन करंट एसेट्स 2130, इन्वेंट्री है 1500,
15001280 के ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 340, टोटल ऑब्वियसली 5250 ही होगा क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों साइड मैच करता है ना, टोटल यही होगा। उसके बाद करंट ईयर के फिगर्स क्या क्या हैं, 3300, 1400, 3300, 1400, 510, 860, 510, 860, 430, 430, 6500, उसके बाद 3630, 1100, 3630, 1100, 1400, 370, 1400, 370, टोटल अभी भी 6500 ही होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये बैलेंस शीट बनी हुई हो, बैलेंस शीट आपको याद होनी चाहिए, आइटम आगे पीछे हो सकती है। अब आपको कंपेयर करना है, तो चलो ए और बी गिवन होगा, ध्यान रखना ये प्रीवियस ये करंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे लेट सपोज 2018 और करंट मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2019, ठीक है। जो भी पिछला होगा वो प्रीवियस, फर्दर वाला करंट। अब देखो सी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, 3300 माइनस 2800, 500, 410 माइनस 600 माइनस का 90, नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव को कैसे दिखाना है, ब्रैकेट्स में कंपेयर करना है बस। नेगेटिव को कैसे दिखाना है, ब्रैकेट्स में। फिर आ गया ये 260, 430 माइनस 250, 180, और टोटल में कुछ बच्चे इसका टोटल कर देते हैं, टोटल करोगे तो वो भी गलत नहीं होगा, बट आप ट्राई करो यहीं से निकाल लो 6500 माइनस 5250, यहीं से फाइंड आउट कर लो, ये आ जाएगा 1250, 1250। फिर ये करो 3630 माइनस 2130 कितना आएगा, 1500 माइनस 1500 नेगेटिव का 400, 1400 माइनस 1280 120 पॉजिटिव, 370 माइनस 340 30 पॉजिटिव, और 6500 माइनस 5250 1250 आ गया। ये जो हमारा न्यूमेरिक चेंज आया यानी नंबर्स में आया, इसको बोलता हूँ मैं एब्सोल्यूट चेंज। अब मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज। परसेंटेज कैसे निकलेगा, सी अपॉन ए इंटू 100, 500 अपॉन 2800, ठीक है, 500 अपॉन 2800 इंटू 100 कितना परसेंट आएगा, ये आ गया 17.86, 17.86। फिर सी अपॉन ए, ये सी ये ए, 400 अपॉन 1000 इंटू 100 दिस वुड बी 40%, ये 40% हो जाएगा। फिर 90 अपॉन, ये 90 नेगेटिव है, अपॉन 600 इंटू 100 दिस वुड बी 15, ये हमारा 15 आ जाएगा, और ये 15 नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों आया है, अच्छा देखो जैसे पॉइंट में आ गया तो इसमें भी पॉइंट्स लगा देना। ये नेगेटिव में इसलिए आया क्योंकि इसका न्यूमिरेटर नेगेटिव था, तो ये भी नेगेटिव में शो करूंगा। 260 अपॉन 600 इंटू 100, 43.33, और ये आ जाएगा 180 अपॉन 430 इंटू 100, 72%। सर टोटल का, टोटल का भी ऐसे ही कर दो, 1250 अपॉन 5250 इंटू 100, 1250 सी अपॉन ए, ये आ जाएगा 23.81। क्या हमें ये हर बार दिखाना है, नहीं, ये तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप लोग रफ में कैलकुलेट करो, सीधा आंसर्स लिख सकते हो। करेक्ट, 1500 अपॉन 2130 इंटू 100, 70.42 स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ। 400 अपॉन 1500, चलो लिख ही देता हूँ, 400 अपॉन 1500 इंटू 100, ये नेगेटिव है, तो आंसर आ जाएगा 26.67 नेगेटिव। 120 अपॉन 1280 इंटू 100 9.38, उसके बाद 8.82, 30 अपॉन 340 8.82, और लास्ट में टोटल तो सेम होगा 23.81। तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में चाहे P&L आ जाए, चाहे बैलेंस शीट आ जाए, अगर यहाँ पे इसकी जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह दिया होता तो उसमें भी करंट ईयर प्रीवियस ईयर तो सेम है। ऐसे ही सी निकालना बी माइनस है, और डी तो आपको पता ही है, सी अपॉन ए इंटू
100. तो इस तरीके से बनाई जाती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. ये बैलेंस शीट था, पी एंड एल हुआ तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा. बात समझ रहे हो? ए और बी गिवन होगा, सी और डी आपको फाइंड आउट करना है. बहुत सिंपल सा है, जो क्वेश्चन आपको करने का मन करे वो कर लो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ये बोनस मार्क्स हैं, बोर्ड्स में 4 मार्क का 100% आता है. प्रैक्टिस करके जाना इसके अच्छे से. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझ में आया होगा. बस कंपैरिजन है और कुछ भी नहीं है. स्टिल कोई डाउट आता है तो लेट मी नो. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, नोट डाउन करना है तो कर लो. और बहुत सिंपल है, ये निकाल के दिखाना नहीं है, रफ में कर लेना, आंसर लिखना स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस इज इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको कल कॉमन साइज के साथ. थैंक यू सो मच.